अरे काहे तड़फा रही हो रानी, जला लो बीड़ी और लगाई दो आग। अरे कहाँ जा रही हो? क्या है? मुझे माफ कर देना माँ, मैं आज यहाँ गाने के लिए खड़ी हूँ तो सिर्फ नानी की वजह से, लेकिन तेरे कहे को ना मानना तेरे दिए हुए संस्कारों के खिलाफ है मेरे लिए, और मैं हमारी इज्जत को इन लोगों के सामने मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। हर एक कण में तू मुस्काए, तू सब में सब तुझ में समाए। हर एक कण में तू तेरी की ये तो रामायण शुरू हो गई। चलो अरे चलो भैया, सारा नशा उतार दिया ससुरी ने। तुम लोगों की वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, याद रखना। ऐसा सबक सिखाओगे कि याद करोगे। तुझे पता है जब तू दुकान चलाने की जिद कर रही थी तो कितने लोगों ने मना किया था मुझसे, पर मर्दों वाला काम होते हुए भी मैंने तुझे नहीं रोका, क्योंकि तू मुझे हमेशा अपनी बेटी नहीं बेटा लगी। मुझे लगा कि तू हमेशा वो काम करेगी जिससे हमारा सिर ऊंचा होगा, पर तूने आज जो किया है ना, उससे मैं तुझे हमेशा बचाना चाहती थी। कल पीहू की शादी है दीदी, मैं चाहती हूँ कि पीहू से गलती हुई है, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना उसकी शादी अधूरी रह जाएगी। पीहू ने खुद मुझे आपके पास भेजा है दीदी, वो चाहती है कि कल आप उसकी शादी में जरूर आए। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या हम सब कुछ नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते? पीहू मैं ना, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हो गया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो मैं किसी और के नाम की मेहंदी लगा चुकी हूं। और अरुण, वो सारी चीजें जो हमारे प्यार की निशानी हुआ करती थी और मैंने बड़े प्यार से तुम्हें दी थी, मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें तुम मुझे वापस लौटा दो। मुझे ये सामान बेचना है, जरा देख लीजिए। कहाँ से मारा ये सब गौरी? कोई अपनी मर्जी से तो ऐसी चीज किसी को देता नहीं। अब हमरे लिए चाहे इसकी कीमत कुछ ना हो, पर जिसका है उसके लिए तो ये बहुत ही कीमती है। मैं आज ही तुम्हारी दी हुई चीजें गंगा जी में बहा दूंगा पीहू। और हाँ राजरानी, कल पीहू की भी शादी है, तो आप अपने लाडले राजकुमार पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे सिर्फ डर ही नहीं पूरा विश्वास है कि रुद्र जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। आप ये बताइए कि इस सब का कितना पैसा मिल जाएगा? कहाँ नुकसान से आना पड़ेगा गौरी, पर तू भी क्या याद करेगी। 1200 रुपए ले ले इसका बाल। चाचा, मैंने अपना इरादा बदल दिया, मुझे नहीं बेचना इस बक्से को, आप वापस कर दीजिए बक्सा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ओ, लड़की आई थी यहाँ पे डब्बा लेके। हाँ, लेकिन वो तो वापस लेके चली गई। कहाँ गई? वो देखिए।